अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल। मैं हूं रहमान रजा, आप देख रहे हैं अपना चैनल रहमान क्रिएशन। तो गाइस, मैं आपको आज की इस वीडियो में इस इफ़ेक्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिए। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लाइटरूम को ओपन कर लीजिए। लाइटरूम हमने ओपन कर लिया, तो आपने इधर तीन डॉट पर जाना है, इस कोने में। तीन डॉट पर जाने के बाद ऐड फोटो पर आना है आपने। ऐड फोटो पर आने के बाद आपने फाइल्स पर जाकर अपनी पिक्चर को ऐड कर लेना है। तो मैंने अपनी पिक्चर को पहले से ऐड कर लिया है, तो मैं अपनी पिक्चर पर क्लिक करता हूँ। तो मैं अपनी पिक्चर पर क्लिक कर लिया हूँ, ठीक है। तो इधर आपने आ जाना है कलर वाले ऑप्शन में, कलर वाले ऑप्शन में आना है आपने। तो कलर वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देना है, ऐड वाइब्रेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। देख लीजिए, फिर टेम्परेचर को आपने 10 तक करना है एंड वाइब्रेंट को आपने 14 तक करना है। तो आगे आ जाए मिक्स टूल में। मिक्स टूल में आने के बाद ये सब्ज वाले पर आना है आपने, इधर जो सब्ज वाला इधर आना है आपने। सब्ज वाले पर आने के बाद आपने हुई को कम कर देना है एंड सैचुरेशन को भी कम कर देना है, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ तक रखना है आपने सैचुरेशन एंड हुई को। और इस वाले पर आ जाएं, येलो वाले पर, इसका भी आप हुई कम कर दीजिए एंड सैचुरेशन भी कम कर दीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए, इधर तक आपने रखना है। तो रखने के बाद आप आ जाए रेड वाले पर। रेड वाले पर आने के बाद आप इसका लुमिनेंस है जो बढ़ा दीजिए 19 तक। और आप आ जाए ऑरेंज वाले पर, आने के बाद इसका जो सैचुरेशन है आपने बढ़ाना है एंड हुई को थोड़ा सा कम करना है, लुमिनेंस को भी बढ़ा देना है। तो आगे आ जाना है इस वाले कलर पर, आसमानी कलर पर। हुई को इसको कम कर दीजिए एंड सैचुरेशन को बढ़ा दीजिए। तो ये सॉरी यार, जहाँ तक आपने रखना है, ठीक है। तो इसको डन कर दीजिए। डन करने के बाद इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाएं, सात वाले में। इफ़ेक्ट वाले में आना है आपने। तो इफ़ेक्ट वाले में आने के बाद क्लैरिटी को कर दीजिए कम 32 तक एंड देज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 42 तक, ठीक है। विंटेज को आप कम कर दीजिए, इसको भी थोड़ा कम कर लीजिए 20 तक। देज को कर लीजिए विंटेज, आप 32 तक कर लीजिए, नफी कम करना है इसको, ठीक है। तो फिदर है, इसको भी बढ़ाना है आपने। रेडनेस को बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को 66 तक रख दीजिए, बढ़ाना है आपने। हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद इधर से डन कर दीजिए इसको। डन करने के बाद इधर आ जाएं, एक लाइट वाले ऑप्शन पर आ जाएं आप। लाइट वाले ऑप्शन के बाद आने के बाद एक्सपोजर बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। कंट्रास्ट कम कर दीजिए एंड हाईलाइट को बढ़ा दीजिए और शेडो को भी बढ़ा दीजिए, ठीक है। बढ़ाने के बाद वाइट कर दीजिए कम एंड ब्लैक को भी कर दीजिए कम। करने के बाद इधर से डन कर दीजिए आप। तो आपने आना है प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर, आपने आना है, ठीक है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आने के बाद आप इधर से आ जाएं एंड पर आ जाए विंटेज वाले पर। तो विंटेज 3 वाला इफेक्ट लगाना है इसको। विंटेज 3 वाला इफेक्ट लगा कर उसको कर दीजिए कम कम 28 तक ही करना है। तो ये मैंने पहले से कर रखा है, ठीक है। तो करने के बाद इधर से डन कर दीजिए और पिक्चर को कर लीजिए सेव। तो ये हमारा हो गया पिक्चर सेव। अब हम पिक्चर को टूल वाइज में ओपन करेंगे। टूल वाइज में ये हमारा पिक्चर ओपन हो गया है। तो इधर आ जाएं, इनहेंस में आ जाएं, HDR लगाना है आपने, इस पर कम कर देना है, ठीक है। कम करने के बाद शार्पन लगा दीजिए। तो शार्पन आपने लगाना है, फिर कम कर देना है थोड़ा, हाफ हाफ ही रखना है आपने, ठीक है।
रखने के बाद इधर इफेक्ट में आने के बाद सॉफ्ट स्मज लगा दीजिए दो पर। दो पर लगाने के बाद रेज कर दीजिए। तो रेज करने के बाद आप आ जाएंगे टूल्स में। टूल्स में आने के बाद इधर से लेयर वाले ऑप्शन पर आकर अपनी लेयर से पीएनजी को ले आएँ। तो मैं पीएनजी को ले आता हूँ। तो मैं अपनी पीएनजी को इधर ले आया हूँ। तो पीएनजी के थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लीजिए, इधर ले आएँ। ठीक है, इधर ले आने के बाद ओवरले कर दीजिए इस पीएनजी को। ठीक है, ओवरले करने के बाद आप आ जाएँ इधर। उसका साइज थोड़ा बड़ा करने के बाद इसको कर दीजिए स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन करने के बाद आप इसको अपने लोगों को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। बड़ा करने के बाद इसको अपने लोगों को भी ओवरले रख दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर दीजिए एंड हो सके तो शेयर कर दीजिए। अब हमने पिक्चर को सेव कर लेते हैं।